आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। आगरा जनपद के थाना पिनाहट के गांव क्योरी बीच का पूरा नाली के विवाद में दो पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, एक की मौत भी हो गई। थाना पिनाहट क्षेत्र के क्योरी गांव के मजरे बीच का पूरा निवासी मुकुट सिंह की पुत्री झाड़ू से छत साफ कर रही थी, तभी छत के पानी के छींटे मुकुट सिंह के भाई मुकेश के ट्रैक्टर पर पड़ गए। इसी बात को लेकर मुकुट सिंह और मुकेश सिंह में आपस में विवाद हो गया। विवाद को लेकर दोनों पक्षों के परिजन लाठी डंडे कुल्हाड़ी लेकर आमने सामने आ गए और दोनों तरफ से जमकर पथराव करते हुए लाठी डंडे से एक दूसरे पर हमला बोल दिया, जिसमें दोनों तरफ से आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। झगड़े की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को सीएससी पिनाहट में भर्ती कराया, जहां से विकेश उम्र करीब 18 वर्ष की हालत ज्यादा नाजुक देखते हुए चिकित्सकों ने आगरा रेफर कर दिया। तत्काल थाना अध्यक्ष पिनाहट पुलिस की गाड़ी से घायल युवक को इलाज के लिए आगरा ले गए, जहां इलाज को ले जाते समय रास्ते में घायल युवक ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने पंचनामा भरकर युवक के शव का पोस्टमार्टम कराया है। माँ पानी के छींटे ऊपर से डाल रही थी, नीचे चाचा खाना खा रहे थे, उनने कहा कि लड़ी धीरे वो झाड़ू मार। उसने बोला, लड़की ने वो तमाम बातें कही, जब ही आ गया एक कल्याण फल्याण जी सारे लोग आगे लेके फुड़ाई फंसा। अच्छा। और वो मुकट सिंह बंदूक भी लेके आया था, इसलिए उनने आके और हमला कर दिया। बी के समय कुड़ाई दी और दही तो सिवन में हाथ फाथ कटे। कितने लोग घायल हैं आपकी तरफ से? चार पाँच छह लोग घायल हैं। और बी के की क्या हालत है? वो खत्म हो गया। गांव क्योरी बीच का पूरा थाना पिनाहट में एक लड़ाई झगड़ा हुआ परिवार के पांच लोगों के बीच में। विवाद का कारण पानी, जो छत पे पानी भरा हुआ था उसको निकालने की वजह से था। इसमें एक व्यक्ति वी के वर्मा उर्फ विकेश, उम्र लगभग 20 साल है, 19-20 साल है, उसके गंभीर चोटियाँ हैं और उसको जब इलाज के लिए लेके जा रहे थे उसकी मृत्यु हो गई है। हमने बॉडी को कब्जे में लेके पीएम की कार्रवाई करा रहे हैं। साथ ही साथ हमने जो मृतक का परिवार है उनसे तहरीर ले ली है और सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसमें एक व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया है, बाकी लोगों को भी जल्दी अरेस्ट किया जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। ग्रामीणों की माने तो जमीन को लेकर इन सभी भाइयों में करीब एक वर्ष से आपसी विवाद चल रहा है। इस खूनी संघर्ष से गांव में तनाव व्याप्त हो गया है, जिसके चलते पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। इसके साथ ही नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों का भी गठन कर दिया गया है। विजय बघेल, सी न्यूज आगरा।